गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और सुबह के 9:30 बजे हैं। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है किचन में। तो मैंने जीरा आलू बना के रख लिया है कढ़ाई में और बहुत सारा बनाया है क्योंकि मैं आफ्टरनून में लंच के साथ भी मैं यही लूंगी, मतलब राइस बना लूंगी और उसके साथ में जीरा आलू ले लेंगे। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। आटा भी मैंने पहले गूंथ के रख लिया था और अभी मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ। मैंने हेयर वॉश किए तो गीले हैं तो इसलिए मैं इनको खुला छोड़ रही हूँ अभी, क्योंकि गीले बाल बांध के ना ऐसे हो जाते हैं, फिर उसी शेप में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं गीले बाल बांधती नहीं हूँ कभी भी, और बांधने भी चाहिए क्योंकि उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और आज बाहर वेदर काफी अच्छा हो रहा है, बहुत तेज बारिश हुई थी रात भर, तो अभी रुकी हुई है फिलहाल, काफी ठंडक हो गई है मौसम में यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं पराठा बनाना, और क्योंकि उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना है, वो लेट हो जाएंगे अदरवाइज। और यहाँ पे पराठे मैंने बना लिए हैं, तो उसके बाद मैं काउंटर टॉप को एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पराठे बनाते वक्त या रोटी बनाते वक्त थोड़ा बहुत आटा तो गिर ही जाता है नीचे। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है हमारा, तो अपने क्लीनिंग रूटीन जो है वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो उसके बाद मेरा बाकी का काम जो बचा होता है मैं वो कम्प्लीट करती हूँ अपना। और यहाँ पे मैं कर्टेन उतार रही हूँ। एक्चुअली ये बड़े वाले डोर का जो कर्टेन है काफ़ी हाइट में है, तो उसके ऊपर मुझे चेयर के ऊपर स्टूल रख के उतारना पड़ रहा है, और ये काफ़ी दिन से मैंने वॉश भी नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको उतार के वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद जब सारे काम मेरे हो जाते हैं तो सबसे लास्ट में मैं किचन क्लीन करने का काम करती हूँ, देन आई वॉश क्लोथ्स। तो आज मैं किचन का काउंटर टॉप क्लीन करने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है काउंटर टॉप से हटा दिया है और नीचे रख दिया है, क्योंकि कुछ बर्तन मैंने नीचे रखे हैं और वो हॉट पॉट मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो बस मुझे ये सब सेटिंग फटाफट से करनी है, ये सब इसमें सोप से क्लीन करूंगी एक्चुअली। वैसे तो मैं विनेगर वगैरह लगा के जो मैंने किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया है उसे तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा सोप वगैरह लगा के क्लीन करूंगी, क्योंकि खाना बनाते क्या होता है ना, किचन काउंटर टॉप थोड़ा सा उसमें चिकनाई आ जाती है, तो इस वजह से सोप से भी क्लीन करना जरूरी होता है। तो वीक में एक बार या दो वीक में एक बार मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विम जेल अप्लाई कर लूँगी पूरे काउंटर टॉप पे, और वही नॉर्मल स्पंज यूज़ कर रही हूँ मैं जो हम बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई अलग से मैंने स्पंज नहीं लिया है, क्योंकि काउंटर टॉप उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, धूल मिट्टी नहीं होती है इस पर, बस ये होता है कि थोड़ी सी चिकनाई लग जाती है किनारों में, जहाँ तक हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते या जहाँ हम डेली क्लीन नहीं करते तो उस जगह पे चिकनाई हो जाती है, तो वो सोप वगैरह लगाने से या नॉर्मल स्पंज लगाने से वो क्लीन हो जाता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टोव भी क्लीन कर लूँगी, तो स्टोव तो वैसे मैं रेगुलर करते रहती हूँ, वीक में एक दो बार कर लेती हूँ या दो तीन बार भी कर लेती हूँ जब कभी कुछ खाना वगैरह गिर जाता है। तो आज डीप क्लीन कर रही थी किचन को तो मैंने सोचा स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ, और सामने की टाइल्स जो होती हैं यहाँ पे, वैसे मैं डेली दिन में दो तीन बार यहाँ पे क्लीन करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सोप लगा के ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ होता है,
तो वीकली क्लीनिंग रूटीन में मेरा इस तरीके से रहता है, कुछ मैं काउंटर टॉप खाली करके पूरा किचन अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। काम करते करते क्या होता है ना किचन में, मैं हमेशा फैन ऑन करना भूल जाती हूँ। एक्चुअली किचन में फैन लगा हुआ है तो किचन में फैन ऑन करना भूल जाती हूँ और इतनी गर्मी में ही काम करते रहती हूँ। लेकिन जब कुकिंग करती हूँ तब तो बंद करना पड़ता है क्योंकि गैस ऑफ हो जाती है, मतलब फ्लेम ऑफ हो जाता है, तो उस वजह से बंद करना पड़ता है। तो वही हैबिट है कि क्लीनिंग करते टाइम भी ध्यान नहीं रहता है कि मैं फैन ऑन कर लूँ। तो अब जाके मैंने फैन ऑन किया है और इतने सारे बर्तन पड़े हैं सिंक में तो मुझे वॉश करने हैं, और काउंटर टॉप तो क्लीन हो चुका है, जब ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से तो उसके बाद मैं सारे बर्तन ऑर्गेनाइज कर दूंगी दोबारा से। टाइम हो गया 12:30 बजे का और मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, आधे घंटे पहले ही कर लिया था, लेकिन अभी मैं बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, वीडियो वगैरह एडिट किया। और बर्तन आप देख रहे हो कितने सारे भरे पड़े हैं पूरे बास्केट में, उसके अलावा यहाँ भी टांगे हुए हैं, तो डेली मेरे इतने बर्तन हो ही जाते हैं। और ये रोटी रुमाल है जिसको मुझे भिगो के रखना है, इसको मैं 1-2 घंटे तक भिगो के रखूंगी और उसके बाद इसको वॉश करूंगी। तो अब मुझे किचन सेट करना है, जो भी सामान मैंने हटाया था, काउंटर टॉप अच्छी तरीके से सूख गया है तो आप देख लीजिए काउंटर टॉप पूरा खाली किया हुआ था, तो अब मुझे इसको सेट करना है और उसके बाद मुझे लंच बनाना है। एक्चुअली हस्बैंड जो है कहीं बाहर चले गए हैं, वो 1-2 घंटे बाद आएंगे, तो डिनर बार बार मेरे मुझे डिनर ही निकलता है। एक्चुअली लंच उनके लिए नहीं बनाना है, मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। तो मॉर्निंग में मैंने जो जीरा आलू बनाए थे तो उसी के साथ मैं पराठा बनाऊंगी, तो फिलहाल मैं ये सब सेट कर लेती हूँ। हमने ये लगा दिया है गमले में चमेली का फ्लावर, जो उस दिन वहां से मिला था हमें गिफ्ट में, और इस पे एक्चुअली पहले ये लगा हुआ था, बेल का पेड़ है ये, तो ये तो गमले में लग नहीं पाएगा तो इसलिए हम इसको नीचे लगा देंगे सोसाइटी में, वहां लग जाएगा, इसलिए इसको इससे निकाल के रखा हुआ है। और ये जो नारियल की बर्फी बनाई थी कल, इसमें से सिर्फ 3 बची है क्योंकि हस्बैंड को इतनी पसंद आई और मुझे भी ऑब्वियसली बहुत पसंद आई, तो हम दोनों ने कल रात में ही आधा खत्म कर दिया था। अभी तो मैंने फ्रिज से निकाला है तो थोड़ा सा हार्ड है, अदरवाइज ये फ्रिज से निकाल के रखो 15-20 मिनट बाद, उसके बाद खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। नारियल की बर्फी बहुत टेस्टी हो रही है, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, पहली बार मैंने बनाई
तो पहली बार में ही अच्छी बन गई। मैं आगे भी बनाते रहूंगी, कभी कोई फेस्टिवल वगैरह होगा तो ज़रूर बनाऊंगी। और आप लोगों ने अगर ये रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं किए तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप ये ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी और आपको भी पसंद आएगी। और अभी टाइम हो गया है लंच का, तो लंच में आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग में जो जीरा राइस बचा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैश करके मैं पराठे में मतलब मिला के आलू के पराठे बना लूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। और आटा यहाँ पे गूँथ लूँगी, तो आटे में सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा, साथ ही थोड़ा सा अजवाइन ऐड किया है जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उससे गैस वगैरह नहीं बनती है। तो इतना सारा मैंने जीरा आलू बनाया था और इतना सारा बच गया है। मैंने सोचा था हस्बैंड आएंगे तो दोपहर में लंच हम लोग साथ ही करेंगे या फिर मैं उनके लिए टिफिन में भिजवा दूंगी, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं इसका बनाऊंगी आलू का पराठा, और इसके लिए मैं ये आलू ले लेती हूँ अलग से बाउल में, और उसके बाद मैं इसको मैश कर लूंगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आलू को मैश करूंगी, इसमें कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मसाले इसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो बस आलू मैश करके मैं यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ, और स्टफिंग बना के काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग भरती हूँ वैसे मैं, क्योंकि जीरा आलू कुछ ज़्यादा ही बचे हुए थे, इसके अलावा भी मैंने और रखे हुए हैं तो उनको मैंने पराठे के साथ खा लिया था। एक्चुअली हमारे घर पे आलू कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, एक्स्ट्रा हो गए थे, क्योंकि बिग बाज़ार से भी हम 1 kg लेके आए थे और साथ ही रिलायंस जब हम गए थे तो वहाँ से भी 1 kg का पैकेट हम लोग ले आए थे आलू का। तो बहुत सारे पोटैटो रखे हुए थे घर पे, तो ज़्यादा दिन तक पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा आलू हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़ीरा आलू बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा और साथ ही साथ लंच में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड का सडन प्लान बना बाहर जाने का, तो उस वजह से मुझे ये आलू बनाने पड़ रहे हैं, आलू के पराठे, अदरवाइज़ मैं राइस बनाने वाली थी। अभी बज गए हैं शाम के 6 और आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप आ गई है। एक्चुअली काफी देर बारिश हुई थी दिन में, लेकिन अभी अच्छी धूप आ गई तो मैंने सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ नीचे और वो सूख चुके हैं। थोड़े बहुत जो मोटे वाले कपड़े रहते हैं वो ऊपर ही है, मैंने टांग रखे हैं ऊपर, तो बाकी छोटे मोटे कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ और मुझे उनको फोल्ड करके रखना है। कर्टेन जो मैंने वॉश किया था इधर वाला, तो ये भी मुझे लगाना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। टाइम हो गया है शाम के 7 बजे का और मैंने डिनर की प्रिपरेशन करनी है अब। और अभी जस्ट मैंने बर्तन वॉश किए थे दोपहर वाले, क्योंकि मैं अपना एडिटिंग के काम में इतना बिजी हो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो उनको जो वॉश करना था तो मैंने वॉश कर लिया है। और आज मेरा कर्टेन एकदम चमक गया है, क्योंकि कर्टेन वॉश करने के बाद बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है ना कपड़ा, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।